अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और आज का मौसम देखें, आज ब्लॉग हम अपना टेरिस से ही स्टार्ट करते हैं। ये देखें खूबसूरती, परिंदे भी खुश हैं। आज ठंडा मौसम है, ठंडी हवा है, बारिश भी हुई है। सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई है। आज ये भी टेरेस पर आई है मौसम एंजॉय करने। दुरूद पेश करती हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ये देखें बुलबुल भी मेरी बड़ी खुश है, इस मौसम को एंजॉय कर रही है। बुलबुल 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 पीछे चलते हैं। और सोचा तो है खैर कि आज क्या पकाना है, तो आए आपसे भी शेयर करते हैं रेसिपी। इसको लटका देते हैं इसकी जगह पर और चलते हैं अब किचन में। आ जाए मेरे साथ। आज मैं बना रही हूँ चिकन यखनी पुलाव। चिकन यखनी पुलाव नहीं कहेंगे इसको। चूल्हा ऑन कर लेते हैं, इसको हम चिकन यखनी बिरयानी कहेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी इंग्रेडिएंट्स डले साले, लेकिन डच बिरयानी का ही आया है। आपने यखनी पुलाव तो खाया ही होगा काफ़ी, लेकिन आज चिकन यखनी बिरयानी बनाते हैं। तो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। तो देखची मैंने चूल्हे पर रख दी है, इसमें अब हम ऑयल डाल देते हैं। सबसे पहले ये 1 किलो चिकन का यखनी बिरयानी बन रही है। मैंने ऑयल डाल दिया है तकरीबन, ऑयल गरम हो जाए तो मैं इसमें सबसे पहले गरम मसाला डालूंगी। इसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 किलो से कुछ कम, तकरीबन 1.5 किलो ही चिकन है और 1 किलो राइस है। ये मैंने गरम मसाला ले लिया इसके अंदर। इसमें ये देखें सारी चीज़ें मैंने
थोड़ी थोड़ी मैंने ये काला जीरा, सफ़ेद जीरा, बादियान के फूल हैं, ये तेज पत्ता, छोटी बड़ी इलायची और ये काली मिर्च और लौंग सब चीज़ें। यह बॉयल कर रहा है तो मैंने इसमें सबसे पहले गरम मसाला डाल दिया। इसको थोड़ा सा मैं खुशबू इसकी आ जाए तो इसमें प्याज डाल दूँगी। तकरीबन मेरे पास तो 3 मीडियम साइज के प्याज हैं, ये इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। ये देखें, इस पॉइंट पर मैंने ये प्याज डाल दी। अब इसको हम जरा ब्राउन कर लेंगे प्याज को। ये मैंने चिकन की यखनी तैयार की है, इसके अंदर मैंने सिंपल 3 जवे लहसुन के, जो जवे नहीं मतलब पूरे जो ये लहसुन के जो फूल होता है, ये 3 मैंने डाले। एक छोटी प्याज डाली है और इसमें मैंने 2 चाय के चम्मच नमक डाला है और 1.5 चम्मच मैं बाकी इसमें पुलाव में लचा राइस में डालूँगी, क्योंकि 3.5 ग्लास मेरे पास चावल है तो मैंने 3.5 चम्मच ही चाय के इसमें मैंने नमक सॉल्ट डालना है और बाकी से मैंने तकरीबन 3.5 टेबल स्पून जो साबुत धनिया और इतना ही सौंफ, दोनों चीज़ें डाली है मिला के, और 3-4 मैंने ये तेज पत्ते डाल के यखनी तैयार करनी है। ये देखें, अब ये प्याज लाल हो जाए और बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें ये जाएंगे, टमाटर जाएगा इसके अंदर। ये 3 टमाटर ले लिए, ये 3-5 तकरीबन हरी मिर्च मैंने ग्राइंड कर ली, ये जाएंगी इसमें। और नमक जाएगा, कुटी हुई मिर्चें डालूंगी इसमें मैं, और ये जो मैंने तैयार किया है ये इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जीरा और सफ़ेद जीरा और हरी इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादियान के फूल और जायफल जावित्री डाल के इसका मैंने ग्राइंड करके ये पाउडर बना लिया। ये सबसे लास्ट में हम इसमें खुशबू के लिए डालेंगे। और ये पुदीना भी इसमें जाएगा बाद में। अब जब तक हमारा ये प्याज ब्राउन हो जाए मैं बाकी प्रोसेस कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। वेलकम बैक व्यूवर्स, ये देखें मज़ेदार चिकन बिरयानी रेडी है। इसको डिश आउट करती हूँ मैं और आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।